सत्संग के लिए एसडीएम ने मंजूरी दी थी, बाहर सुरक्षा में पुलिस कर्मी तैनात थे, ये जानकारी सामने आ रही है। सत्संग की जो मंजूरी वहां पर दी गई थी, जो आयोजकों ने परमिट लिया था, वो एसडीएम द्वारा उनको दिया गया था। और कितनी संख्या में लोग वहां पर आ सकते हैं इसको लेकर अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, आयोजकों से हमारी बात नहीं हो पाई है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आयोजकों से भी हम ये जानकारी जुटा सके कि आखिर उन्होंने जो परमिशन ली थी और जो व्यवस्थाएं वहां पर सुनिश्चित होनी चाहिए थी, आखिर उसमें इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। तुषार, आपके पास आ रही हूँ, क्या जानकारी आपके पास इस बड़ी खबर पर? बिल्कुल, देखिए आयोजकों से अभी बात नहीं हो पा रही है। जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि आयोजक इस समय अंडरग्राउंड है, वो किसी से ना मिले हैं, ना उनकी किसी से मुलाकात हो पाई है, ना बातचीत हो पाई है। लेकिन जो प्रशासन की व्यवस्था थी वो बहुत ही कम थी और चरमराई हुई थी, उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं लग पाया या वो इस तरह की तैयारी ही नहीं कर पाए कि अगर इतनी भीड़ होती है तो क्या व्यवस्था करेंगे। ना मौके पर एम्बुलेंस थी, ना मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी, ना ट्रैफिक के लोग बहुत ज़्यादा संख्या में थे, ना ही सड़क को रोका गया। और जब लोग बाहर निकले तो भीड़ वैसे भी थी, उस जिले की भीड़ थी, लोगों की जो लोकल लोग होते उनकी भीड़ थी, लोग निकले, बाहर नाला था और नाले में लोग गिर गए। उसके बाद भी जो बाहर निकल रहे थे उनमें भी भगदड़ मच गया और लोगों की मौतों की संख्या जो है वो बढ़ती गई। अभी भी अगर जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि मौतों की संख्या कहीं ज़्यादा है जो डीएम ने बताई है उससे भी, लेकिन अभी जो प्राथमिकता है सरकार की वो प्राथमिकता है कि जो लोग घायल हैं उनका समुचित इलाज हो, उनको बचाया जा सके। एक और अपडेट दर्शकों को दे दे, मैं लौट रही हूँ आपके पास, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। तो आज नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में भी दुख जताया और साथ ही अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जाकर भी इस खबर पर मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और लोकसभा से भी अपने भाषण के दौरान उन्होंने इस हादसे पर दुख जताया था। तो पीएम मोदी ने सीएम योगी से इस हादसे पर बात की है, घायलों को हर संभव सहायता के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं और अपने भाषण के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे की सूचना दी और उन्होंने कहा कि ये सूचना मुझ तक पहुंची है कि कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। उन्होंने शोक व्यक्त किया और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूपी के हाथरस में मची भगदड़ में कई लोगों के मरने की खबर है और मैं इस हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं और राज्य सरकार की निगरानी में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के संपर्क में हैं और उन्होंने सदन से भी संदेश दिया था और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर भी उन्होंने शोक संदेश दिया है। तो घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ, पीएम मोदी ने सीएम योगी से बात की है। और तुषार, अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि अब इस पूरे मामले को लेकर जांच भी तेज हो रही है। मैं लौटूंगी आपके पास, इस खबर पर नजर हमारी बनी हुई है, आप बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौट रहे हैं कुछ और अपडेट्स के साथ। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार्स निर्माण का